आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 ML अग्रवाल मैथ्स क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। वन है हमारा इफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 5 फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ एक्स माइनस वाई की वैल्यू दी हुई है, एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी कि वी नो डेट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये एक आइडेंटिटी आपको मालूम है, सेकंड वाली हमारी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर तो इधर ही रखेंगे, ये माइनस 2xy इधर ट्रांसपोज करके ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2xy और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर ही छोड़ देंगे राइट हैंड साइड पे, ठीक है ना। इसे ट्रांसपोज करके इधर ले आएंगे। अब x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 8, तो x माइनस वाई की वैल्यू पुट करेंगे यहां पर तो हम 8 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई की वैल्यू क्या है 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस 2 5 हो गया 10 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 64 प्लस 10 इक्वल टू 74 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा इसका आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या निकल कर आया 74। सिर्फ आइडेंटिटी लिखनी है, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर देना है, साथ में इसे मल्टीप्लाई कर देना है ट्रांसपोज करके, जो चीज निकालनी है उसे दूसरी तरफ रखना है और आपका आंसर आपके सामने आ जाए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।